सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ग्रेस ऑफ जीसस टेस्टिमनी ऑफ लाइफ में। आज हम ऐसे परिवार में आए हैं जहां एक नहीं दो गवाही हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे याद आता है, तू परमेश्वर पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हम जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा इनके जीवन को उद्धार दिया है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अरुण यादव है और मैं दिल्ली शहर के त्रिनगर इलाके में रहता हूँ। एक यादव परिवार में होते हुए परमेश्वर ने मुझे 2006 में अपने पास आने का मौका दिया। ये कुछ इस तरीके से हुआ कि जैसे मैं उस वक्त 12th के एग्ज़ाम्स मैं दे रहा था, 12th में था मैं, और 12th में जनरली क्या रहता है कि टीनेज स्टार्ट हो चुकी होती है और बच्चे जो है नहीं पता होता क्या करना चाहिए, तो जनरली गलत राहों पर चले जाते हैं। मेरा भी ऐसा ही था कि एक कुछ गलत संगति की वजह से काफ़ी बुरी चीज़ें मेरे भीतर आ गई थी। और इससे हुआ ये कि परिवार में बहुत सारी चीज़ों में, पढ़ाई में मैं पीछे घटने लगा। तो मम्मी को दिखता था ये सब कि लड़का बड़ा हो रहा है और गलत रास्ते पर है। फादर भी मेरे थोड़े से अल्कोहलिक थे और घर में कलेश रहता था इस वजह से बहुत ज़्यादा। पैसों की भी बहुत समस्या रहती थी और बहुत सी हमने आर्थिक तंगी देखी अपने जीवन में। लेकिन इससे जूझते हुए मेरी मम्मी ने काफ़ी जगह पर मम्मी गई, जैसे आशाराम बापू जी के सत्संग में और राधा स्वामी के सत्संग में मैं भी जाता था कई बार उनके साथ। लेकिन मुझे वहाँ पर जाके कुछ मिलता नहीं था, मतलब वहाँ पे जाओ सुनकर आ जाओ, क्या पता क्या सुना, कुछ नहीं बाद में याद रहता था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे वहाँ पर साइड करे। तभी उन्हीं दिनों में मेरी एक मौसी थी, उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे प्रार्थना होती है यहाँ पर, आप जाया करो और वहाँ पर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और बहुत से जो है चिन्हों चमत्कार आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है। तो मम्मी भी गई वहाँ पर प्रार्थना में, मैं भी गया मम्मी के साथ। तो ऐसा रहा कि कुछ ही दिनों में हमारा एक सेल ग्रुप वहाँ पर स्टार्ट होना था। और सेल ग्रुप ऐसा रहता है कि कुछ एक लोगों का स्मॉल ग्रुप होता है, वहाँ पर पास्टर होते हैं, पास्टर हमें सिखाते हैं और हम वहाँ पर कुछ भी बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं अब अपने जो मेरे मन में जो सवाल थे वो मैं पूछ सकता था और उनके जवाब मेरे को फेस टू फेस, वन ऑन वन मेरे को वो सब सवाल के जवाब मिल सकते थे। ऐसा हुआ कि 2006 में मार्च अप्रैल में हमारा सेल ग्रुप स्टार्ट हुआ और हम जाते थे वहाँ पर। मैं बहुत सारे सवाल पूछता था, कई बार ज़्यादा भी हो जाते थे तो पास्टर थे हमारे, वो कई बारी मुझे बोलते थे कि नहीं अभी इस सवाल का जवाब आपको बाद में मिलेगा और ऐसा होगा। लेकिन जो मेरी भूख थी उसमें सीखने की, वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे उनकी तरफ खींचती थी। तो बहुत से सवाल मेरे मन में उठते थे बाइबल को लेके। उस समय में बाइबल भी मैंने पढ़ना शुरू किया था, लेकिन बाइबल में ना हमेशा एक बात रहती है कि वो पढ़ने से समझ नहीं आती जब तक पवित्र आत्मा आपको सहयोग ना करे। तो मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ मई के महीने में 2007 में। मैं 2006 में प्रभु में आया, तकरीबन 1.5 साल तक परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगने के बाद जो भरपूरी बपतिस्मा उसका पवित्र आत्मा का मुझे 2007 में मिला। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे हैं जो कि अपने सवालों में खो जाते हैं, इवन चर्च में जाने के बाद भी वो नहीं जान पाते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। वो समझने के लिए ना हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ती है। मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैं जाता था लेकिन वो बातें मेरे लिए सिर्फ थ्योरी थी। वो बातें मेरे लिए ऐसी थी कि हाँ प्रभु यहाँ पर गए, उन्होंने ऐसा किया, मैंने सुना, वो ज्ञान के तौर पे मैंने सुना, हाँ मुझे पता लग गया। लेकिन उसका जीवन में मेरा इम्पैक्ट नहीं था, वो तब तक नहीं था जब तक पवित्र आत्मा मुझे नहीं मिला था। तो मैं चाहता था पवित्र आत्मा को जानना और वो मुझे मिला। वो दिन था
13 मई 2007 का मैं और मेरे पास्टर एक कमरे में बैठे हुए थे और हुआ ऐसा कि वो हम दोनों कुछ वचन शेयर करने के बाद हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे अपने आप को, सब कहते हैं कि आप जीवित परमेश्वर है, तीसरे दिन आप जी उठे हैं, तो यदि आप जी उठे हैं तो मुझसे बातें कीजिए, अपने जीवित होने का प्रमाण मुझे दीजिए। तो ऐसा हुआ, लेकिन हुआ ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। उस समय में मेरी आंखें बंद थी, एक दर्शन मुझे दिखाया, जिस दर्शन में मैंने देखा कि एक लकड़ी का दरवाज़ा है और उसमें एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है और उस ताले को मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चाबियाँ लगाकर और अलग अलग हथौड़े मेरे हाथ में आ रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे ताला हम तोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जब मैं थक गया तो मेरे कान में आवाज़ आई कि अपने घुटने टिका दे। और ऐसा ही हुआ कि उस समय मुझे एक वचन याद आया जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को बोला था लाजर की कब्र के बाहर खड़े होकर कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यही सेम चीज़ उस वक्त वचन में परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे विश्वास करने की ज़रूरत थी। तो जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने मुझे आश्वासन दिया कि जब तू विश्वास करेगा तो मैं तुझे अपनी महिमा को दिखाऊंगा, मैंने कहा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आप मुझ पर अपने आप को जाहिर कीजिए, मैं आज आपसे मिलना चाहता हूँ, आज आपको देखना चाहता हूँ। वो सेकंड था उस दर्शन में, जैसे ही मैंने घुटने टिकाए, वो लकड़ी का दरवाज़ा जो था जिसे मैं कब से खोलने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग चाबियाँ उस ज्ञान को दर्शाती है जो मैंने, जो सवाल थे मेरे, जो बहुत सी बातें जो कि हम ये सोचते हैं कि ऐसे हो सकता है प्रभु, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं कि कैसे चंगाइयाँ हो जाती हैं, कैसे परमेश्वर में लोग गिर जाते हैं, कैसे परमेश्वर लोग, ये दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती हैं, ये बहुत सारे सवाल जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हमारे जीवन में रहते हैं। और ये वही सब चाबियां थी जो लगाकर मैं खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब का उत्तर परमेश्वर ने मुझे इस रीति से दिया कि जब मैंने घुटने टिकाए तो परमेश्वर ने उस दरवाजे को ही गायब कर दिया और मैंने दर्शन में देखा कि किसी ने मुझे एक अच्छे से होल्ड कर लिया। और मेरे साथ जो फिजिकल एक्सपीरियंस रहा उस कमरे में बैठकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, दर्शन में मैं देख रहा था कि किसी ने मुझे पकड़ा है, लेकिन फिजिकली रूप से मेरे सर से लेकर पैर के नाखून तक एक ऐसा करंट दौड़ने लगा जो कि मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और एक करंट सडनली मेरे नसों में से बहकर जाने लगा, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई, मेरे हाथ मुड़ने लगे, आंखों में आंसू थे और दिल धक धक कर रहा था, शरीर में दर्द होने लगा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी और वो मुस्कान इतनी अच्छी थी कि मैं जानता था कि मैं सचमुच उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिला हूँ। और कहते हैं ना कि जब तुम उससे मिलते हो तो वो सब बातें जो तुम्हारे भीतर रहती हैं, सब चिंताएँ जो तुम्हारे भीतर हैं, सब प्रकार के मन में जो सवाल होते हैं, वो सब विद इन अ सेकेंड, उसके छूने के एक सेकंड के अंदर वो सब गायब हो गया और परमेश्वर ने मुझको छुआ। इस रीति से छुआ उसने कि मेरे शरीर में बहुत पेन होने लग गया। वो 5 मिनट का एनकाउंटर था मेरा परमेश्वर के साथ और मैं उस असीमित ताकत को महसूस कर रहा था अपने साथ, लेकिन एक समय मैं उसको झेल नहीं पाया। मैंने कहा प्रभु बस, जैसे ही मैंने बस बोला परमेश्वर ने मुझे राहत दी, मेरा दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई और मेरे चेहरे पर एक मतलब मैं स्माइल कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था मैं, और मुझे पता था मेरे दिल के अंदर अभी कोई सवाल जो थे सवाल चले गए थे। मैं उस मोमेंट के बाद उतर के बाहर जाने लगा। उससे एक दिन पहले तक जब हम कॉलेज जाते थे तो यार दोस्तों में बैठते थे तो एक लाइन में कम से कम 10 गालियाँ मैं बोला करता था और जिससे काफ़ी एम्बेरसमेंट भी होती थी कई बार, पर आजकल कॉलेज का माहौल ऐसा है तो ये ट्रेंड में समझा जाता है, तो हम सभी ऐसा बोलते थे पहले। लेकिन मैंने वो एनकाउंटर होने के बाद मैं चाहकर भी मेरे मुंह से गंदा नहीं निकल रहा, मैं बुरा सोचना चाह रहा हूँ तो बुरा नहीं सोच पा रहा था। मैं उस दर्शन के पहले
मेरे मुंह से बहुत सारी गालियां निकलती थी, एक लाइन में दो क्या 10 गालियां देकर जो है मैं बोलता था। और कॉलेज का ऐसा माहौल होता है, लड़के लड़कियां सब एक दूसरे से जो है मतलब थोड़ा अजीब रहता है। आज हम उस बात को समझ पाते, जब वहाँ पर थे तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे छुआ तो मुझे वो सब बातें समझ में आई। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि जब तक हम पानी में होते हैं, तैर रहे होते हैं, तो हमें पानी का भार नहीं पता चलता, लेकिन जब हम बाहर निकल के दो बाल्टी उठाते हैं तो पता लगता है कि सच में वो पानी भारी है। वो पाप हमारे जीवन में बहुत भारी है, जब हम परमेश्वर हमें वहाँ से निकालता है तो हमें पता चलता है। तो वो दर्शन था, उससे पहले मेरे मन में बहुत से सवाल थे। उस समय मैं सोचता था कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, कौन है परमेश्वर, क्या चाहता है, हम क्यों इस उसमें आए। लेकिन उस दर्शन को पाने के बाद परमेश्वर ने मुझे अपने में ऐसा लीन कर लिया कि 2007 से लेकर आज 16 साल से ज़्यादा हो गए उस समय को, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा और मैंने भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। बहुत से लोग इसके बाद आए, क्योंकि मैं एक अविश्वासी परिवार से आता हूँ, बहुत से लोग आए मुझे ये बात को बताने के लिए। उन्होंने बहुत सी बातें भी कही इसके अगेंस्ट, के किसी ने तेरा माइंड वॉश कर दिया है, किसी ने तुझे तेरा धर्म परिवर्तन कर दिया है। पर मैं इस बात का गवाह हूँ कि मैं परमेश्वर से मिला, मैंने उसकी ताकत को महसूस किया, और जब उसने मुझे छुआ तो फिर उससे बेहतर फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती। उसके बाद 2007 के बाद अनेकों बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ। जब भी मैं इस बात को बताता हूँ, परमेश्वर मुझे उस समय भी भरता है। जब भी मेरे मुंह से परमेश्वर की बातें निकलती हैं, परमेश्वर का आत्मा उस वहाँ पर होता है। उसने अपने वचन में कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पर होऊँगा। और ऐसा होता है, परमेश्वर हमारे बीच में होता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, मरकर तीसरे दिन जी उठे, और जब वो जीवित हैं तो जीवित व्यक्ति बात करता है, जीवित व्यक्ति साथ रहता है, जीवित व्यक्ति अपने होने का अनुभव कराता है। प्रभु का धन्यवाद। मई 2007 में जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, उसके बाद में उसने सिर्फ आत्मिक आशीष नहीं दी मुझे, बल्कि संसारिक रूप से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस किया। और जुलाई 2007 में मैं इनसे मिला, और ये एक ब्राह्मण परिवार से आते थे। तो जब भी मैं इनसे मिलता था तो प्रभु का वचन बताना, जो कि बहुत ऑब्वियस हो गया था उस समय पे, और कि जब हम प्रभु को जानते हैं तो हमारा मुंह रुक नहीं पाता और हम बताते हैं सबको। तो ये ब्राह्मण परिवार से आते थे और मैंने इनको जब प्रभु का वचन बताया तो बहुत से सवाल इनके जीवन में थे, जो कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा क्लियर किए, जिनसे इन्होंने चर्च आना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने इनको आशीष दी। और इनके पर्सनल जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत गवाहियों को बनाया, तो मैं चाहूँगा अपनी गवाही खुद दें। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा नाम निशा यादव है, मैं दिल्ली के त्रिनगर इलाके में रहती हूँ, और शादी से पहले मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। और 2007 में मैंने हालांकि प्रभु का नाम मुझ तक पहुँचाया मेरे हस्बैंड ने, पर फिर भी प्रभु के विषय में जानते जानते 2008 में आकर मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, और मार्च 2009 में मैंने बपतिस्मा लिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों ऐसी गवाहियाँ हैं। बल्कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम हर क्षण हर पल देखते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर नई नई गवाहियों को बनाता है। पर फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण गवाहियों को आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। 2007 में जब मुझे प्रभु का नाम मिला, और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, बचपन ही से धार्मिक प्रवृत्ति में पली बड़ी मैं की गई थी, मेरी परवरिश हुई थी, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ईश्वर के प्रति समर्पित रहा करती थी। और जैसा कि बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं वरन मैंने तुम्हें चुना है। निश्चय परमेश्वर की कोई एक बहुत ही अनूठी योजना थी मेरे जीवन के लिए कि उसने मुझे मेरे हस्बैंड से मिलवाया और सुसमाचार को मुझ तक पहुँचाया। और ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर, उनसे बड़ी एक सिस्टर हैं, और वो कुछ मेडिकल कंडीशन से जूझ रही थी 2007 के अंदर, वरन 2 वर्षों से जूझ रही थी। और कंडीशन कुछ ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें माँ बनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या हो सकता है वो कभी जीवन भर माँ बन ही ना पाए। इसके अलावा मुझे खुद साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम काफ़ी ग्रेव थी, क्योंकि मुझे स्मेल और टेस्ट बिल्कुल नहीं आता था। आप लोगों को सुनने में अचरज होगा,
पर मैं चीज़ों को स्मेल करके या टेस्ट करके उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक सेटबैक था, क्योंकि आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं, आप अच्छी खुशबूएं सूंघना चाहते हैं, पर जब आप ऐसा नहीं कर पाते, आप इरिटेट होते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, कहीं ना कहीं इस बात के कारण मैं डिप्रेशन में भी जा रही थी। पर जब मुझे सुसमाचार मिला और मुझे बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, और मुझे बताया गया कि मैं प्रार्थना में जा सकती हूँ और अपना प्रार्थना निवेदन दे सकती हूँ, तो जब हमने अपना प्रार्थना निवेदन दिया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो जिस प्रॉब्लम से मेरी सिस्टर पिछले 2 सालों से उस समय में जूझ रही थी, प्रार्थना करने किए जाने के अगले ही दिन वो उस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा मिला। और इतना ही नहीं, जिस दिन मैं पहली बार प्रार्थना में गई थी, वहाँ ये अनाउंस हुआ कि जिस व्यक्ति को यहाँ पर नाक से रिलेटेड समस्या है और वो इसके कारण बहुत चिंतित और परेशान रहता है, वो कृपया आगे आए, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। मैं बिल्कुल अम्यूज्ड हो गई, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी को जानती नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम के बारे में कोई नहीं जानता था, परंतु फिर भी परमेश्वर के आत्मा ने उन पर जाहिर किया और मेरे लिए प्रार्थना की गई। ये मेरे जीवन की एक बहुत बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि हालांकि साइनसाइटिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और बहुत से लोगों को होता है, खास करके इंडिया में पॉल्यूशन की वजह से बहुत लोगों को इससे प्रॉब्लम रहती है, पर फिर भी बहुत से लोग सर्जरी के बाद भी इससे निजात नहीं पा पाते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आज मेरी नाक ऐसी है कि मैं काफ़ी डिस्टेंस से भी मैं बहुत सारी खुशबुओं को या बहुत फाउल स्मेल को भी बहुत आसानी से मैं आइडेंटिफाई कर पाती हूँ, मैं अच्छा टेस्ट ले पाती हूँ, चीज़ों को अच्छे से समझ पाती हूँ। परमेश्वर ने मुझे उस डिप्रेशन में से बाहर निकाला, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवेश से आती हूँ, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, ये बात सबको हजम नहीं हुई, और खास करके मेरे जो पैतृक साइड के, जो मेरे पैटर्नल साइड के जितने भी रिश्तेदार हैं, उन कोशिश की गई कि हमारे घर में रेगुलर काउंसलिंग होती थी, हमारे घर के बड़े बूढ़े आकर हमें समझाया करते थे कि तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है, क्रिश्चियंस को पैसे मिलते हैं धर्म बदलने के लिए, और तुम झांसे में आ गए हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वापस आ जाओ। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वचन में लिखा है, और उसने हमें संभाले रखा, और इतने वर्षों तक, और आज मुझे प्रभु में 15 वर्ष हो गए हैं, मेरे जीवन की अद्भुत गवाहियाँ हैं जो मैं सच बताऊँ तो बयान के बाहर हैं। 2007 में परमेश्वर का वचन मुझ तक पहुँचाया गया, और उसके लिए परमेश्वर ने मेरे पति को जरिया बनाया, और 2014 में परिवार की रजामंदी से और परमेश्वर के अनुग्रह से हम दोनों एक हुए। पर मैं आप सबको इस बात से उत्साहित करना चाहूँगी, कई बार हमें लगता है कि क्योंकि हम प्रभु में हैं तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हमारी लाइफ बिल्कुल बेड ऑफ रोजेज होगी, हम सब कुछ स्मूथ चलेगा, पर मैं आपको ये कहकर एनकरेज करना चाहती हूँ कि निश्चय हमें एक ऐसा सहायक दिया गया है कि हम अकेले नहीं हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। परमेश्वर महान है। शादी के बाद भी बहुत से प्रॉब्लम्स हम सबके जीवन में आना लाजमी है, पर जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं और परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे साथ है, तो हम उस रास्ते को बहुत आसानी से काट सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारे वैवाहिक जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब हमने पैसों की तंगी को भी फेस किया। मुझे अब भी याद है, साल 2015 जनवरी की बात है, और मैंने एक दिन अचानक ही अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप किया, इस कारण कि मैं देखना चाह रही थी कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा बचा है, और मैंने पाया कि मेरे अकाउंट में मात्र 170 रुपये बचे थे। और जाहिर सी बात है, ऐसा सुनकर या ऐसा देखकर आपको अचंभा तो होता ही है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अब हम आगे कैसे करेंगे, पर मुझे आज भी याद है कि उन्होंने उस समय भी एक ही जवाब दिया कि मेरा परमेश्वर मुझे खिलाने वाला परमेश्वर है, मैं घटी में नहीं रहूँगा। वचन में ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और इनकी इस बात ने मुझे बहुत इंकरेज किया, क्योंकि कई बार जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, इसलिए बोला जाता है कि एक से भले दो है, क्योंकि यदि एक गिरे तो दूसरों से उठा ले। और उस समय वाकई में मेरे हस्बैंड के विश्वास से मैं उठाई गई, और मैंने जाना कि सच में कुरिन्थियों की पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है कि वह इसलिए कंगाल हुआ ताकि उसमें हम धनी हो जाएं। और वो समय और आज का समय, हमने ये एक अद्भुत गवाही हमारे जीवन में कि हमने कभी पैसों की तंगी को नहीं देखा, परमेश्वर हर समय पर हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहा। और मैं आप लोगों को भी एनकरेज करना चाहूँगी कि जब भी आप किसी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में होकर गुजरते हैं, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वो छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो साथ निभाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसके कंगाल हुए जाने से हम धनी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इतनी अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर ने इनको चुना और यह परिवार परमेश्वर को अपनी गवाही के द्वारा महिमा दे रहे हैं।
सच में यीशु मसीह जिंदा खुदा है। ऐसी ही यीशु मसीह की उद्धार की गवाही को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेस ऑफ जीसस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।